हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ वेट लॉस रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके कोशिश करने पर भी आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा तो आप ये रायता बनाकर खाएं। इससे आपका वेट बहुत ही जल्दी लूज़ होगा, क्योंकि जब हमारा वज़न बड़ा होता है तो हमें बहुत सोच सोच कर खाना पड़ता है कि जिससे हमारा वेट और ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ये रायते की रेसिपी ऐसी है कि आप इसे जितना चाहें उतना खा सकते हैं, पेट भर कर खाएं, इससे आपका वेट लूज़ होगा। इसी के साथ मोनिकाज़ किचन में आपका स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मोनिकाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम दही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लो फैट मिल्क से बना हुआ दही लिया है, क्योंकि मैं इसे हेल्दी तरीके से बनाने जा रही हूँ। अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लो फैट मिल्क से बना हुआ दही ही लें, तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज होगा। तो सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। फेंटे हुए दही में बारीक कटा हुआ खीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे, और टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए हैं, और साथ में इसमें हम अनार के दाने डालेंगे। तो इस रायते में अनार का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और बारीक कटा हुआ ही हरा धनिया भी डाल देंगे। तो इस रायते में मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो सारे ही वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। तो इन सबको एक बार मिला लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो रायते में नमक हमेशा कम रखना चाहिए, तभी वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, खासकर अगर आप वेट लॉस के लिए बनाने वाले हैं। और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। तो काला नमक ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको मिक्स कर लेंगे। वेट लॉस रायता बनकर तैयार है। आप इसे लंच में खाएं, और आप इसे जितना दिल करे उतना खा सकते हैं, इससे वेट लॉस में बहुत ही मदद मिलेगी। और अभी हम रायते को गार्निश करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वही सारी हम थोड़ी थोड़ी ऊपर लगाकर इसे गार्निश करेंगे। तो ये देखने में भी बहुत ही सुंदर है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, और वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्पफुल है। वेट लॉस रायते की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप और भी वेट लॉस की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी।